के गलतागेट थाना इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बंगाली बाबा आश्रम सर्कल के पास अनियंत्रित ट्रेलर सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंदता हुआ कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। इस हादसे के बाद में मौके पर चीख पुकार भी मच गई तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं इस खौफनाक मंजर का पूरा नजारा सीसीटीवी में कैद भी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि तेज रफ्तार ट्रेलर जो है वो अनियंत्रित होकर पलट जाता है। इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें देखिए A1 टीवी पर। जयपुर हाईवे पर वो यहां पर देखने को मिला। अनियंत्रित ट्रेलर ने यहां पर रफ्तार का जो कहर है वो इतना बरपाया कि आसपास जितने भी लोग थे वो इतने भय के माहौल में आ गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बाइक सवार दोपहिया बाइक सवार जो था वो रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश में था लेकिन एक अनियंत्रित ट्रेलर ने यहां पर कहर मचाया और रौंदता हुआ आगे निकल गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई। इसके बाद ये जो ट्रेलर है वो भी पलट गया। काफी ज्यादा खौफनाक मंजर पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र इतना भयंकर जो सड़क हादसा हुआ है अनियंत्रित ट्रेलर यहां पर आया कहर मचाता हुआ और तीन लोगों की जिंदगी लील गया पूरी घटना बताएं यादवेंद्र। देखिए बिल्कुल धोबी घाट के पास की ये पूरी घटना है जैसी और जिस तरीके से एक बेकाबू जो ट्रेलर है वो बहुत तेज स्पीड में आ रहा था और दिल्ली रोड पर और क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका पड़ता है पूरा जब यहाँ से इस ट्रेलर के अंदर चावल के कट्टे और धान के जो कट्टे थे वो भरे हुए थे उसके बाद अचानक से ये ट्रेलर तेज स्पीड में आता हुआ पहले तो एक बाइक को कुचलता हुआ आता और उसके बाद तेज स्पीड में आकर कहीं पलटी खा जाता है। गनीमत ये रही कि इस पूरी घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर करीब दर्जनों लोगों की यहाँ पर मौत हो सकती थी लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तीन लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हुई है क्योंकि इसने पहले दो बाइक सवार थे उनको यहाँ पर कुचला और उसके बाद पलटी खा गया। लेकिन अगर चूंकि अगर मुड़ाव नहीं होता वो सर्किल नहीं होता तो ये मानिए कि एक बहुत ही भीषण हादसा हो सकता था जिसमें शायद 15 से 20 लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन तस्वीरें जो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह जो ट्रेलर था बेकाबू था और उसने तेज स्पीड में जो इसका जो ड्राइवर था वो इस ट्रेलर को चला रहा था तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और तस्वीरें दिखाना भी हमारा ये मकसद यही है कि जो वाहन चालक है जो तेज स्पीड में वाहन चलाते हैं या फिर जो भारी वाहन जो चलाते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है। ऐसे में इन तस्वीरों का दिखाना बहुत बेहद जरूरी था और इसलिए हम टीवी के मार्फत हमारे टेलीविजन के A1 टीवी के मार्फत ये तस्वीरें हैं जनता तक इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनमें एक मैसेज जाए कि जो भी वाहन चलाते हैं वो तेज स्पीड में ना चला उस वाहन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए और जो कि भीड़ भाड़ वाला जब इलाका पड़ता तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इन वाहनों को धीरे चलाना चाहिए। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है तीन जनों की यहाँ पर डेथ हुई है और बाकी 5 जो युवक है इसमें गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हुए जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने जो ट्रेलर चालक है उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल जैसी यादवेंद्र इसके अलावा ऐसी घटनाएं पहले भी राजधानी जयपुर में हुई है जब ओवरलोडेड जो वाहन होते हैं अब बड़े वाहन जो होते हैं ऐसे चलते रस्तों पर जहाँ से नॉर्मल सवारियां भी या फिर लोग गुजर रहे होते हैं उनका प्रवेश निषेध किया गया है या फिर एक टाइम स्लॉट उन्हें दिया जाता है किस वक्त यहाँ से गुजरे। ऐसी जगह पर जितनी भीड़भाड़ वाली जो तस्वीरों में जगह नजर आ रही है ऐसे में इतने ओवरलोडेड वाहन का वहां से निकलना और वो भी इतनी तेज स्पीड में रूल्स कहाँ पर गए? देखिए ओवरलोड तो नहीं था यहाँ पर लेकिन बड़ी बात ये है कि एक टाइमिंग जो होनी चाहिए जो मियाद होना चाहिए कि समय का कि किस समय भारी वाहनों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाए क्योंकि पूरे सटे हुए बाजार है बीच में यहाँ पर बाजार चलते हैं और बाहरी इलाकों में इस प्रकार के जो बाजार है वो नहीं है तो ऐसे में बाहरी इलाकों तक इनको सीमित रखा जाना चाहिए और उसके बाद छोटे वाहनों के जरिए जो भी जो माल आता है उनको इन बाजारों में जो बड़े दुकानदार है या थोक विक्रेता है उन तक यहाँ पर पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पर चूंकि ये जो ट्रेलर आ रहा था तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है कि कैसे इस प्रकार के भारी वाहन को और वो भी इस समय में 8:30 बजे का जो टाइम होता है वहां तक प्रवेश दिया गया यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जिस समय घटनाक्रम हुआ उस दौरान का समय अगर आप देखा जाए क्योंकि 6-7 बजे बाद यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है नाइट कर्फ्यू लग जाता है उसके बाद इतनी भीड़ भाड़ का वहां पर होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाहन को
इतने बड़े ट्रेलर को इस पूरे बाजार के अंदर किस तरीके से यहाँ पर प्रवेश दिया गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद में प्रशासन को सबक लेना होगा, पुलिस प्रशासन भी सबक लेगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो समय की जो मियाद होती है, जो समय होता है कि जिस समय वाहनों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, उस सबको लेकर के अब यहाँ पर रूपरेखा तय की जाएगी और एक बड़ा सर्कुलर यहाँ पर जारी होगा, और उसके बाद तमाम जो भारी वाहन है, चाहे वो बाजार के दुकानदार है, चाहे व्यापारी, सबके समक्ष उस समय को निर्धारित किया जाएगा ताकि भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो उस तय सीमा में नहीं हो, क्योंकि रात के समय ज्यादा भीड़भाड़ नहीं रहती है 10 बजे के बाद में और बाजार सुनसान रहता है, ऐसे समय उसके बाद ही कहीं ना कहीं भारी वाहनों जी बिल्कुल यादवेंद्र, तस्वीरों में साफ दिख रहा है यहाँ पर कि तेज रफ्तार में वाहन है और ओवरलोडेड भी है। सवाल यह है कि कितने ऐसी घटनाएं और अधिक हो पाएगी, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।